मोदी सरकार में भारत रत्न की उपाधि को जिस प्रकार से बांटा गया है, जिसका साफ उद्देश्य लग रहा है ये पॉलिटिकल है, इससे सम्मान का महत्व जो है वह घटता है। वैसे बहुत सारे लोग इसके सही दावेदार भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी दिया गया है जिसका एकमात्र मकसद है राजनीति। जब भारत के हर मामले को प्रधानमंत्री ही डिसाइड करे तो समझ लीजिए कि जनतंत्र का क्या हाल है, हमारा डेमोक्रेसी किस तरफ जा रहा है। जब हर प्रकार के डिसीजन व्यक्ति निजी फायदे के लिए ही लिए जा रहे हैं, इसका ताजा उदाहरण भारत रत्न उपाधि है, जिसका जैसे तैसे उपयोग किया जा रहा है। बीजेपी को लग रहा था कि राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा तोप साबित होगा कि सारे विपक्ष इसमें हवा में उड़ जाएंगे और सारा कुछ बदल जाएगा और 2024 का चुनाव भी हम चुटकी में अपने पक्ष में ले लेंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तभी तो ये छोटे छोटे कारनामे कर रहे हैं और होल सेल में लोगों को भारत रत्न दिए जा रहे हैं। वर्तमान बीजेपी सरकार भारत रत्न उपाधि को जिस प्रकार से होलसेल में बांट रही है, उससे तो ये लग रहा है कि उपाधि का कोई महत्व बच ही नहीं गया है। एकमात्र पॉलिटिकल लाभ के लिए जिस किसी को दिए जा रहे हैं, ये सम्मान का एक ढंग से अपमान है और इससे सम्मान की महत्ता घटती है।